तो फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे को मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना भूल गई थी और सुबह हमारी लाइट चली जाती है नाश्ते के बाद। अचानक से मुझे कपड़े याद आए और लाइट भी नहीं थी, तो मुझे आइडिया आया क्यों ना एक काम करूं कि फ्राइंग पैन गरम करके उनके ना कपड़े जो है ना प्रेस कर दूँ, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो फिर कपड़े ज़रूरी है कि शलवार कमीज़ पहन के जाए, और जुम्मे वाले दिन ये शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं। लेकिन मैं भुलक्कड़ औरत, मैं भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो है ना मैनेज कर ही लिया, क्योंकि मैं कभी भी जो है ना इस तरह अधूरा नहीं छोड़ती। हर चीज़ को मैनेज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसे हो तो आप लोग फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री कर सकते। तो ये जो है ना बन रही है चिकन की यखनी, और खाना मेरा बन चुका है अंडे और आलू का सालन। तो व्यूवर्स, मेरे हस्बैंड से मैं काम करवा रही हूँ, काम ये करवा रही हूँ कि जो हमारा फ्रिज है ना उसके लिए बोर्ड बनवा रही हूँ, क्योंकि जिस बोर्ड पे मैंने अभी फ्रिज को लगाया है ना, तो उसमें मैं मोबाइल वगैरह चार्ज पे लगाती हूँ, तो इसलिए इसका अलग बोर्ड बनवाया है ताकि मुझे मोबाइल को चार्ज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये अभी आए हैं थोड़ी देर पहले काम से, मुंह तो इनका कभी खाली होता है ही नहीं, और ये बहुत काम से लेट आते हैं, 10:30 बजे काम से आते हैं, इसलिए आजकल ये व्लॉग में बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। और अभी हम जो है ना ये बनाने के बाद जाएंगे बाहर। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इतनी तैयार क्यों नज़र आ रही हूँ? आज सैटरडे है और अभी शाम हो गई है, क्योंकि हम जा रहे हैं कुरान खानी जा रहे हैं, तो इस वजह से नॉर्मल सा जो है ना लुक क्रिएट किया है। तो प्लीज़ बैड कमेंट ना कीजिएगा कि कुरान खानी में जा रही है और जो है ना कि मतलब मेकअप शेकअप। बैड कमेंट करने वाले बैड कमेंट करेंगे, पर अच्छे कमेंट करने वाले अच्छे कमेंट करेंगे। तो वहाँ पे जो है ना सिर्फ हमें खाने पे बुलाया है, कुरान जो है ना पढ़वा लिया, तो इसलिए मैंने मेकअप किया है, क्योंकि कुरान अगर पढ़ना होता तो फिर मैं मेकअप नहीं मतलब लगाती, तो कुरान नहीं पढ़ना, तो इसलिए मैंने लाइट सा के जो कि मैं करती रहती हूँ नॉर्मल वाला मेकअप, तो मैंने वही वाला मेकअप किया है, और कोई ख़ास ड्रेसिंग नहीं कि घर की नॉर्मल सी ड्रेसिंग की है, जैसे घर में मैं पहनती हूँ नॉर्मली। तो फाइनली हम कुरान खानी से आ चुके हैं, और मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाया था और मैंने अपने सारे बाल खोल दिए हैं, और आज मैंने ना बालों में की हुई थी ऑयलिंग की हुई थी। आज खाना शाना कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि खाना तो हम खा के ही आ गए और रात हो गई है, खाना तो हम खा के आ गए, बस आज छुट्टी का दिन मेरा रेस्ट में गुजरा था, बस ये कि शाम को कुरान खानी में चले गए तो वो टाइम भी गुजर गया, सैटरडे हमारा ऐसे ही गुजर गया, संडे भी हमारा ऐसे ही गुजर जाएगा, जब हस्बैंड घर पे होते हैं फिर भी मेरा स्पेशल डे गुजरता है, बाकी आज पूरा दिन मेरा रेस्ट ही रेस्ट में गुजरा है। पर हाँ, एक काम मैंने अच्छा किया है कि आज मैंने अपनी जो है ना डमी पे हेयर स्टाइल बनाया था, क्योंकि मेरे अपनी डमी पे क्रम्पिंग नहीं की थी, तो मेरे डमी पे हेयर स्टाइल नहीं बन रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी, तो मैंने जो है ना क्रम्पिंग की थी कल, मेरी फ्रेंड से क्रम्पिंग मशीन लेके मैंने क्रम्पिंग की थी, तब जाके जो है ना माशाल्लाह से मेरी डमी के बाल थोड़े अच्छे और थोड़े से लाइट से फ्रीजी हुए हैं, तब जाके उसके जो है ना बालों में वॉल्यूम आने के बाद उसका हेयर स्टाइल जो है ना सही बना। और अभी 27 तारीख से हमारे पेपर स्टार्ट हो गए, आप लोग बस दुआ करना कि अच्छे से अच्छे नंबर लेके आऊँ, अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आऊँ, और अच्छे से अच्छा ग्रेड लेके आऊँ इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेंगे। वो देखें मेरी डमी को, तो मैं सारा काम शाम करके गई थी, तो इसलिए जो है ना सारी चीज़ें अपनी जगह पे सिमटी हुई हैं। बाकी ये देखें मैंने डमी ना यहीं पे सेट कर ली, पहले मुझे ये आइडिया नहीं था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये आइडिया दिया, मैंने ये टू बबल बनाए इसमें।
और ये मैं सैटी पे बैठ। तो हस्बैंड मेरे जॉब से आ चुके थे, तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी बाहर, तो मैंने लाइट वगैरह सारी चीज़ें ऑफ कर दी। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा जो है ना जा रही थी फ्रूट्स लेने, क्योंकि फ्रूट्स की मैं टोकरी तो लेके आई थी, लेकिन वो बग़ैर फ्रूट्स के अधूरा अधूरा सा लग रहा था। और मुझे फ्रूट इतने ख़ास नहीं पसंद, लेकिन खाने चाहिए, फ्रूट्स जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा चलो टोकरी के बहाने फ्रूट भी मैं खा लूँगी, पर मुझे कुछ ख़ास नहीं पसंद। हालाँकि रोज़ मैं क्लास पे जाती आती हूँ, लेकिन मैं फ्रूट्स नहीं लेती, मेरा दिल नहीं करता कि मैं फ्रूट्स लूँ, क्योंकि खाने को दिल ही नहीं करता। लेकिन आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं फ़्रूट लेके आऊँ, और इस टोकरी में जो है ना सारी जो है ना फ्रूट्स जो है ना डेकोरेट करके रखूँ। और ये बास्केट भी है, ये टोकरी भी है, लेकिन मैं इसको टोकरी ज़्यादा बोलना पसंद करती हूँ। वैसे बास्केट फ्रूट वाली जो बास्केट होती है, तो ये जो है ना मैं ऑरेंज लेके आई हूँ, बनाना लेके आई हूँ। तो मैं ना बहुत खुशी खुशी से ना डेकोरेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे खाना खाने से ज़्यादा मुझे खाना बनाने का शौक है, तो ये भी जो है ना बहुत जो है ना बहुत अच्छा शौक है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मेरी जो है ना ये फ्रूट वाली बास्केट बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी सी लग रही थी, क्यूटी क्यूटी सी, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी। क्योंकि पता नहीं, बस मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती। मैंने मेरी दोस्त को उस दिन बताया था कि ना मेरा जो है ना दिल कर रहा था कि मैं जो बास्केट लेके आई हूँ उसमें फ्रूट्स जो है ना डेकोरेट करके रखूँ। तो मेरी फ्रेंड कह रही है आर्टिफिशियल लेके जो है ना वो रख लो। मैंने कहा आर्टिफिशियल में वो बात थोड़ी आती है जिस तरह ओरिजिनल चीज़ों में आती है। तो हम गए हुए थे बाहर फ्रूट लेने, क्योंकि ये टोकरी लेके आई थी और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इसमें फ्रूट रखूं। तो मैंने अपनी ये भी विश पूरी कर दी, पर सिर्फ मुझे फ्रूट पसंद तो नहीं है, पर फ्रूट खाना भी ज़रूरी है। फ्रूट खाने से वीकनेस नहीं होती, वैसे इंसान को खाना चाहिए। तो मैं जो है ना ख़ास तौर पर इस टोकरी को सजाने के लिए मैं फ्रूट लेने गई थी अभी, तो मैं ले आई हूँ। मेरी हसरत पूरी हो गई, टोकरी मेरी भर गई माशाल्लाह, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं। आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया, पर शाम मेरी अच्छी गुजरी है, क्योंकि मैं कुरान खानी में भी गई थी और घर में फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम गुजरा है माशाल्लाह। तो अभी आज की वीडियो को करते हैं एंड, और व्लॉग इस वजह से आजकल लेट आ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे हैं, तैयारी चल रही है, टाइम नहीं मिलता। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी पिछली एक वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू, इसी तरह प्यार देते रहे। और मेरी फ्रिज वाली वीडियो पे जिसने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट किए, तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आप लोग के इन कॉमेंट्स को देख के ही दिल करता है कि आप लोग के लिए व्लॉग बनाया जाए इतनी बिजी लाइफ में भी, तो थैंक यू सो मच। और मैंने अपना आज हेयर स्टाइल बनाया था सामने वाला, तो मेरे सारे बाल कर ली हुए हैं। और हस्बैंड जी अभी बाहर हैं, अभी आएंगे घर पे, ज़रा फ्रेंड्स के साथ आज थोड़े से बिज़ी हैं। तो कल के व्लॉग में मेरे हस्बैंड ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को। तो अल्लाह हाफिज़।